हेलो नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये कुछ पार्ट हमारा जो छूट गया था कल का, जिसमें हम 7 और 8 अगस्त के जो करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। थोड़ा लेट हो गया हूँ इस वीडियो को बनाने में, क्योंकि काफ़ी टाइम लग गया इसको सर्च करने में मुझे। तो इस वीडियो में हम 7 और 8 अगस्त के जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो प्रीवियस वीडियो में हमने प्रश्न पूछे थे, कर्नाटक राज्य विधानसभा का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी हैं। इसके अलावा दूसरा प्रश्न था, प्राइड ऑफ द नेशन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये हैं डॉक्टर विनायक एस हिम्मथ, इनको प्राइड ऑफ द नेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस वीडियो के प्रश्न है, अभी हाल ही में T20 क्रिकेट में सबसे अधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये आपको जवाब देना है। इसके अलावा एक और प्रश्न है, किस राज्य ने हाल ही में ऑनर किलिंग और मोब लीचिंग को रोकने के लिए कानून बनाया है? तो ये इसका दोनों का कमेंट करके जवाब दीजिए और हमारा टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। एक और चीज़ है गाइस, वीडियोस को अगर लाइक करते रहेंगे आप तो वीडियो आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा। अगर आपने लाइक करना बंद कर दिया, शेयर करना बंद कर दिया, तो मुझे सीरीज़ बंद करनी होगी, क्योंकि मुझे ये समझ में आ जाएगा कि अब शायद आपको ये पसंद नहीं आ रहा है। तो अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। आज का जो प्रश्न है, स्टार्ट करते हैं। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में खरमोर संरक्षण योजना को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है? तो ये खरमोर संरक्षण जो योजना है इसको मंजूरी दी है धार और नीमच दोनों जिलों में, ठीक है, उपरोक्त दोनों इसका सही आंसर होगा। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। धार और नीमच में दिया गया है मंजूरी, और इस योजना के लिए जो कैंपा फंड होता है CAMPA, ठीक है, कैंपा फंड के तहत इसके 153 लाख रुपए जो है वो उसके लिए दिए जा रहे हैं। सिधार और नीमच जिले की करीब 250 हेक्टेयर वन भूमि में पत्थरों की दीवार बनाकर इन पक्षियों और उनके अंडों का संरक्षण किया जाएगा। अब बात आती है पत्थरों की दीवार बनाने की क्यों जरूरत पड़ती है। एक्चुअल में क्या होता है, ये अंडे जो है अपने घास में ये अंडे अंडों को देते हैं जो खरमोर पक्षी होता है। अब उसमें क्या होता है, जो सियार होते हैं या कुत्ते होते हैं वो इनके जो अंडे हैं उनको खा जाते हैं, इसके कारण प्रजाति विलुप्त प्राय हो रही है। इसलिए पत्थर की ऊंची दीवार बना दी जाएगी ताकि वो वहाँ पे घास पे अपने अंडे दे सके। करीब 2 से 3 महीने का समय लग जाता है उनके अंडों को पकने में, ठीक है। तो धार का जो सरदारपुर अभयारण्य है वहाँ पे 5 खरमोर पक्षी देखे जाने के बाद वन विभाग ने ये योजना तैयार करी है। कैंपा एक्ट जो होता है उसी के तहत कैंपा फंड दिया जाता है। ये होता है कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी बिल। देखिए कंपनसेटरी मतलब क्या होता है, एक तरीके से कंपनसेशन होता है। कंपनसेशन कब दिया जाता है, जब कोई आपको क्षति होती है, क्षति पहुंचती है। तो अफॉरेस्टेशन यानी जब कोई उद्योग इंडस्ट्री आपकी आती है और वो जंगलों की कटाई करते हैं, पेड़ पौधों की कटाई करते हैं, तो उनको उसके एवज में एक फंड, एक कंपनसेशन गवर्नमेंट को देना होता है, ठीक है, ताकि गवर्नमेंट उस फंड का यूज करके किसी दूसरी जगह पर वहां पर फॉरेस्टेशन कर सके, वहां पे पेड़ लगा सके या इस तरीके की कोई चीज वो कर सके, ठीक है। तो ये जो कंपनीज होती हैं या कोई इंडस्ट्री होती है तो ये कंपनसेशन का फंड देती है। और आपको बता दूं कैंपा एक्ट जो है आपका, ये नरेंद्र मोदी सरकार लेके आई थी और ये आई थिंक 2015 या 16 में आया था, ठीक है, 2015-16 के आसपास या 16-17 के आसपास आया होगा, एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है, 16 के आसपास आया होगा जहां तक है। तो ये आपका पूरा इसका रहेगा। अब एक और चीज यहां पे हम डिस्कस कर लेते हैं, अभी इससे पहले जो खरमोर पक्षी था उसका जो संरक्षण है उसके लिए शिवपुरी का जो करैरा अभयारण्य था और घाटीगांव अभयारण्य ग्वालियर का, ये दो जगह थी जहां पे इनका संरक्षण किया जा रहा था। लेकिन यहां पर निजी भूमि ज्यादा होने के कारण ग्रामीणों ने पक्षियों के संरक्षण में सहयोग बिल्कुल भी नहीं किया, ठीक है, और क्षेत्रीय लोगों का दोनों अभयारण्य को खत्म करने का दबाव था। इसके तहत राज्य सरकार ने चुनावी रणनीति के चलते हुए करैरा अभयारण्य का 202 वर्ग किलोमीटर और घाटी गांव अभयारण्य का 111 वर्ग किलोमीटर हिस्सा डीनोटिफाई करने का प्रस्ताव भेजा था। डीनोटिफाई करना मतलब वो जो हिस्सा है, वो जमीन का हिस्सा है, वो अब उसमें नहीं आएगा, आपका अभयारण्य के तहत नहीं आएगा। और इसमें से जो घाटी गांव अभयारण्य है इसके प्रस्ताव को मंजूरी भी मिल चुकी थी। अगला प्रश्न, भी हाल ही में देश में प्रथम महिला विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का निधन हो गया, उनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? देखिए बहुत कुशल नेत्री थी, बहुत अच्छी वक्ता थी, बहुत अच्छा बोलती थी और सबकी लाडली थी, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी की बात करें, मोदी की बात करें, सबके बहुत अच्छे इनसे जो रिलेशन थे वो थे। और इनका संबंध मध्य प्रदेश में विदिशा से रहा है, भोपाल में भी ये रही हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेन विदिशा, अगर इस टाइप का प्रश्न आता है और भोपाल आपको ऑप्शन मिलता है, विदिशा ऑप्शन मिलता है, तो आपको विदिशा करेक्ट आंसर टिक करना है। भोपाल मैंने इसलिए जानबूझ के लिया है। देखिए कोई भी अगर आपके यहाँ से चुनाव लड़ता है
तो डेफिनेटली वो जाके रहेगा कहाँ पर, भोपाल ही में रहेगा, राजधानी में ही रहेगा, ठीक है, इसलिए भोपाल से संबंध उनका है ही। इसके अलावा विदिशा से ये लोकसभा सीट से 2 बार चुनाव जीत के लोकसभा में पहुंची थी। लोकसभा विदिशा लोकसभा सीट से इन्होंने चुनाव लड़ा था 2009 में और 2014 में, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि 2014 में जब इन्होंने चुनाव जीता था तो इन्हें मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में विदेश मंत्री इनको बनाया गया था। यहाँ पे ध्यान रखें, मैंने यहाँ पे लिखा है देश की प्रथम महिला विदेश मंत्री। एक्चुअल में इससे पहले विदेश मंत्री इंदिरा गांधी भी रही थी, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ वो प्रधानमंत्री थी, मतलब उन्होंने एक कार्यभार ले रखा था। तो पहली मतलब स्वतंत्र प्रभार समझ सकते हैं आप एक तरीके से, या अकेला विदेश मंत्रालय जो था वो इनको दिया गया था, तो ऐसी देश की पहली महिला विदेश मंत्री ये थी, ठीक है। और सुषमा स्वराज ने अपने कार्यकाल के दौरान महज ट्वीट से लोगों की मदद करने का ये काम किया है, और देश विदेश में रह रहे कई भारतीयों की मदद उन्होंने ट्वीट के सहारे करी है। ये बहुत बड़ा काम इनने किया था, बहुत लोग इनके आज भी फैन हैं। भोपाल में जो एम्स आया था, यानी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, वो भी इनकी ही देन था। 2004 में इन्होंने, तत्कालीन जो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार थी उसमें स्वास्थ्य मंत्री ये थी, उसमें रहते हुए इन्होंने भोपाल में एम्स की आधारशिला रखी थी। इसके अलावा जो आपका विदिशा में एक गांव आता है, पांच गांव से इनको 90% वोट मिले थे, ठीक है, इसलिए वहां पे गई थी और इन्होंने उस गांव को मुकुटमणि का खिताब दिया था। ये इतना इनका रिलेशन है मध्य प्रदेश से। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के कितने स्थानों पर कंपोस्ट प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं, तो ये जो कंपोस्ट प्लांट हैं ये स्थापित किए जा रहे हैं 20 जगह पर, ठीक है। इसमें नगरीय निकाय के 26 क्लस्टर में, जो नगरीय निकाय हैं मध्य प्रदेश के, उनके 26 क्लस्टर में विभाजित किया है, और जो ठोस अवशिष्ट प्रबंधन की क्लस्टर आधारित एक योजना बनाई गई है इसमें, और इसमें 6 स्थानों पर कचरे से ऊर्जा यानी वेस्ट टू एनर्जी, और 20 स्थानों पर कंपोस्ट प्लांट मतलब यहां से खाद बनाया जाएगा उस कचरे से, ठीक है, गीला कचरा सूखा कचरा आप समझ गए होंगे। तो ये जो कहां कहां शुरू हो गए हैं, अभी सागर जबलपुर और उज्जैन में शुरू हो चुके हैं, ठीक है, ये प्रोसेसिंग प्लांट शुरू हो गए हैं, लेकिन भोपाल कटनी और रीवा में इनका जो काम है वो काफी तेजी से चल रहा है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि 383 नगरीय निकाय संस्थान जो हैं उनमें 7212 मीट्रिक टन अपशिष्ट प्रतिदिन उत्पन्न होता है, और इसमें से 6537 मैट्रिक टन अपशिष्ट जो होता है उसका संग्रहण हो रहा है, बाकी 1271 मीट्रिक टन अपशिष्ट का उपयोग प्रतिदिन कंपोस्ट बनाने में, 15 मीट्रिक टन अपशिष्ट का उपयोग प्रतिदिन बायोगैस के उत्पादन में, और 525 मैट्रिक टन अपशिष्ट का उपयोग RDF MRF में, तथा करीब 462 मीट्रिक टन अपशिष्ट का उपयोग कचरे से ऊर्जा उत्पन्न करने में किया जा रहा है। हालांकि ये उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका नहीं है, लेकिन आपको यहाँ तक तो याद रखना ही होगा। अगला प्रश्न, अभी हाल ही में एशियन स्कूल चैंपियनशिप के लिए राष्ट्रीय टीम का चयन किया गया है, यह चैंपियनशिप कहां संपन्न होगी? तो देखिए, एशियन स्कूल चैंपियनशिप बरकतुल्ला विश्वविद्यालय है जो भोपाल का, ठीक है, वहां पर ये टीम का चयन किया गया है। मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री प्रभुराम सिंह चौधरी जी वहां पर थे, ठीक है, उनके सामने हुआ है ये जो चैंपियनशिप है, ये होगी आपकी इंडोनेशिया में, ठीक है। 20 सदस्यीय फुटबॉल टीम, जूनियर स्कूल टीम का चयन इसमें किया गया है, उसमें देश के विभिन्न राज्यों से आए खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया, करीब 75 खिलाड़ी इसमें आए थे और उनमें से सिर्फ 20 लोगों का चयन किया गया, और ये जो एशियन स्कूल चैंपियनशिप है नवंबर माह में इंडोनेशिया में संपन्न होगी, ठीक है, ये पूरा आपका था, इसमें ज़्यादा आपको और जाना नहीं है। अगला प्रश्न, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के किस मंत्री द्वारा मांडव डोजियर एवं कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया गया? तो आप समझ गए होंगे मांडव यानी मांडू, मांडू कहाँ पर है? धार में है आपका। तो ये जो डोजियर और कॉफी टेबल बुक है उसका विमोचन किया गया है मध्य प्रदेश के पर्यटन मंत्री सुरेंद्र सिंह बघेल ने, और ये जो डोजियर है उन्होंने कहा है कि इस डोजियर को यूनेस्को भेजा जाएगा, ताकि यूनेस्को मांडू यानी मांडवगढ़ को भी अपनी जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है उनमें शामिल करने के बारे में सोचे, ठीक है। और ये होता क्या है डोजियर, या इसमें क्या है, या जो कॉपी टेबल बुक है इसमें क्या है? इसमें मांडव का मानव जीवन, वहाँ की संस्कृति, कला, वास्तुशिल्प, मौसम विज्ञान, पदार्थ विज्ञान, जल अभियांत्रिकी और निर्माण प्रौद्योगिकी, ये जो खूबियाँ हैं वो देखने को इसमें मिलती है, मतलब सब कुछ जो है उसमें रहता है, पूरा डिटेल उसमें रहता है, मांडव से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी वो सारी वहाँ पर होंगी, ठीक है। तो ये आपका डोजियर होता है। अगला प्रश्न है, भोपाल के शासकीय JP अस्पताल में प्रदेश के पहले ऑब्स्टेट्रिक ICU और मातृ दुग्ध कोष अमृत कलश का लोकार्पण किसने किया? तो ये पहले हम डिस्कस कर चुके थे अमृत कलश के बारे में, और इसके साथ साथ प्रदेश का पहला ऑब्स्टेट्रिक ICU जो है वो
जीपी अस्पताल में शुरू करा गया है भोपाल में, और इसका जो लोकार्पण किया है वो है किया है तुलसीराम सिलावट जी ने। तुलसीराम सिलावट जी जो है वो लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं, ठीक है। इन्होंने इसका लोकार्पण 6 अगस्त को किया है जेपी अस्पताल भोपाल में, ठीक है। और ये जो आईसीयू बनाया गया है इसमें गंभीर जटिलता वाली गर्भवती महिलाओं के लिए प्रसव पूर्व, प्रसव के दौरान और प्रसव के बाद बेहतर उपचार और देखभाल की व्यवस्था सुनिश्चित होगी। और जो अमृत कलश है इसमें मात्र दुग्ध माँ के दूध से वंचित शिशुओं को उपलब्ध कराने की व्यवस्था रहेगी। अब जो अमृत कलश बनाया गया है इसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन पाथ और शोशाना हेल्थ फाउंडेशन के सहयोग से अत्याधुनिक उपकरणों और तकनीक का उपयोग किया गया है। मतलब इनकी मदद से, पाथ और शोशाना हेल्थ फाउंडेशन, इनकी मदद से इसको करा गया है। अगला प्रश्न है, राज्य शासन ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन और राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के क्रियान्वयन में हुई अनियमितताओं के संबंध में मंत्रिपरिषद समिति का पुनर्गठन किया है, इस समिति में कौन शामिल नहीं है। तो ये जो समिति का पुनर्गठन किया गया है सामाजिक सुरक्षा पेंशन और राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के क्रियान्वयन में जो अनियमितताएं हुई हैं उनके लिए, तो इसमें कमलेश्वर पटेल, तरुण भनोत और महेंद्र सिंह सिसोदिया तीनों लोग हैं, डॉक्टर गोविंद सिंह इसमें नहीं है, ठीक है। तो आपको पता होगा कमलेश्वर पटेल जी जो हैं, अगर हम बात करें तो ये तरुण भनोत जो है वो वित्त योजना आर्थिक और सांख्यिकी मंत्री, और कमलेश्वर पटेल जी पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री हैं, और महेंद्र सिंह सिसोदिया श्रम मंत्री यानी कि लेबर मिनिस्टर हैं, ठीक है। और इसके अलावा अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन समिति के संयोजक होंगे। तो इन लोगों को इस समिति में या कमेटी में शामिल किया गया है। कमेंट करके बताएं कि डॉक्टर गोविंद सिंह जो हैं ये किस विभाग के मंत्री हैं। रेल मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित इंदौर मनमाड़ ब्रॉडगेज रेल लाइन परियोजना क्रियान्वयन के संबंध में उच्च स्तरीय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है। तो ये जो है इंदौर मनमाड़ ब्रॉडगेज रेल लाइन परियोजना, इसके क्रियान्वयन के लिए मुख्य सचिव जो है सुधीर रंजन मोहंती, उनकी अध्यक्षता में इसका गठन किया गया है। और मैं बता दूं रेल मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित है आपकी ये इंदौर मनमाड़ ब्रॉडगेज रेल लाइन परियोजना, और इसमें वित्त, वन, योजना, परिवहन, लोक निर्माण, राजस्व और औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, अपर मुख्य सचिव हों या फिर प्रमुख सचिव हों, वो इसकी समिति में रहेंगे। अन्य सदस्यों की बात करें तो इंडियन पोर्ट रेल एंड रोप वे कॉरपोरेशन और इंदौर मनमाड़ रेल लाइन परियोजना से संबंधित रेलवे विभाग द्वारा मनोनीत अधिकारी को भी इसमें, इसके सदस्यों में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा प्रबंध संचालक किसके, मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इस समिति के सदस्य सचिव होंगे। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान ने नॉलेज सपोर्ट के लिए रिसोर्स सेंटर के रूप में कार्य करने के लिए इनमें से किसके साथ MOU साइन किया है। तो NITTTR यानी NITRRR, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है उपरोक्त दोनों, दोनों के साथ ही ये MOU साइन किया गया है अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के द्वारा, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च। इनके साथ अलग अलग MOU जो है वो साइन किए गए हैं और साइन करे गए नॉलेज सपोर्ट के रिसोर्स सेंटर के रूप में कार्य करने के लिए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि संस्थान जो है आपका अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन नीति विश्लेषण संस्थान, इसके महानिदेशक श्री आर परशुराम है। इन्होंने प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति श्रीमती नीलम शमी राव के साथ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सापेक्ष में तकनीक सहयोग के लिए MOU साइन किया है। और NITRRR के जो संचालक हैं श्री सी थंगराज, इनके लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण में सहयोग करने के लिए MOU साइन किया गया। तो दोनों का उद्देश्य जो है वो पता होना आपको जरूरी है। तो गाइज ये पूरा था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करते रहेंगे। आपके नंबर ऑफ लाइक्स कम हो रहे हैं, काफी कम हो रहे हैं, इसलिए प्लीज नंबर ऑफ लाइक्स जरूर बढ़ाएं। अगर आप चाहते हैं कि हम मोटिवेटेड इसी तरीके से रहें, काम करते रहें, तो जरूर आपको लाइक करना होगा। बस आपसे यही रिक्वेस्ट करें, लाइक करने को कोई पैसे नहीं लगते हैं, ठीक है। इसलिए प्लीज लाइक करें, शेयर करें वीडियो को। थैंक यू।